राजसमंद जिले के कांकरोली में एक सब्जी विक्रेता की 7.5 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश के मनोज प्रताप सिंह को हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि आरोपी 17 जनवरी शाम को चॉकलेट खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर मासूम विमंडित बच्ची को अगवा कर ले गया और फिर उसके साथ बलात्कार कर पत्थर पर पटक पटक कर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर राजसमंद की जनता सड़कों पर उतर आई थी और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई, जिस पर दूसरे दिन शाम को आरोपी मनोज प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कांकरोली थाना पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय में चालान पेश किया। फिर जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 2013 को आरोपी मनोज प्रताप सिंह को दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद आरोपी पक्ष ने फांसी की सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी चुनौती देते हुए जिला न्यायालय के फांसी के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद आरोपी पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राजसमंद जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी मनोज प्रताप सिंह को फांसी की सजा बरकरार रखी है। इस फैसले के बाद मासूम बच्ची के परिजनों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी व्यक्त की है। परिजनों ने कहा कि हमें न्यायालय के फैसले पर पूर्ण रूप से भरोसा था कि हमें जरूर न्याय मिलेगा। आज राजसमंद जिला न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा है, जो अच्छा है, क्योंकि यह ऐसे दरिंदे के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, ताकि समाज में अन्य कोई बदमाश इस तरह की दरिंदगी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अपील से फांसी की सजा लंबित होने पर देरी को लेकर परिजनों ने जरूर चिंता व्यक्त की, मगर परिजन बोले कि कोर्ट पर उन्हें विश्वास था और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विश्वास को कायम रखा। तो हमें इससे बहुत खुशी है, हम न्यायालय के फैसले पर हम संतुष्ट हैं और भगवान हम तो चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उसको फांसी हो और हम न्यायपालिका पर हम पर पूर्ण विश्वास है 100%। अगर अपराध किया था उसने, हम ये पूछो मत, राजसमंद पूरी पब्लिक खुश है इस फैसले से और ये जो भी हुआ ये बहुत अच्छा हो, सर हम तो चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उसको फांसी हो, हमारे आगे भी हमारे ये है। कोई भी हो, अपराध अपराध होता है और ये जघन्य अपराध ऐसा, ये कानून क्या, जब सख्त सजा देगा तो इससे लोगों को डर भी रहेगा, खौफ रहेगा, ताकि कोई ऐसा जघन्य अपराध और आगे कोई कर नहीं पाए। तो हम बहुत खुश हैं न्यायालय के फैसले से, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम सब खुश हैं। इस तरह से कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको सुन के हमको बहुत खुशी हुई। जो ये घटना हुई बहुत देखने कायल नहीं थी, ऐसे लोगों को ये फांसी होनी जरूरी है, सजा होनी जरूरी है, नहीं हुई तो ये लोग दूसरी ऐसी घटना घट सकते हैं, इसलिए आपका ये धन्यवाद है जो उनको फांसी दे रहे हो। यहाँ की जो घटना हुई, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी सजा सुनाई वो बहुत हमको पसंद आए, हमें बहुत खुशी हुई है ये सुनकर। लेकिन है ना, ये सजा पहले सुनानी थी उनको, लेकिन बहुत टाइम की है, दिया है, लेकिन अच्छा है जो भी सुना है, लेकिन किसी आगे लड़की को ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा दी जाए। हमारी तो भांजी चली गई है, लेकिन दूसरे को भी ऐसा सबक मिलेगा, ऐसा सोचने से पहले वो कभी ऐसा ना कर पाए। जो भी फैसला हो बढ़िया चाहिए, हमारी बच्ची चली गई, फांसी की सजा होनी चाहिए उसको, फांसी की सजा उसकी जो चाहे, हम तो हमारा बच्ची का हमारा चली गई हाथ से। जानती थी जो ग्राहक था, जैसे अब ग्राहक दुकान पर आता है, सामान दिया चले गए। हाँ, उसने बच्ची को किस तरह से वो बेलाया, वो मन बुद्धि की थी, उसको बिस्कुट के लालच दिए थे, ले गए बिस्कुट था, मन बुद्धि की थी, भाई चॉकलेट दिलाता हूँ तेरे को। ये घटना कब की थी, कौन से वर्ष की? 13 तारीख 2013। किस्सा था, अभी यहाँ से धोखे से लेके गया था, लारी से धोखे से लेके गए थे और उठा मोटरसाइकिल घुमाने घुमाने चक्कर में कहीं ले जाकर मारी उसको। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology
and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.